चाचा जी इनसे मिलिए, ये है केदार भाई और ये बिजल बेन। नमस्ते चाचा जी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कचरे की समस्या को लेके बहुत परेशान है। आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है तो आपके यहाँ भी ढेर सारा कचरा होता होगा। कचरे की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, ये बात हमारे चाचा जी को समझानी है। सबसे पहले तो हमने इस डिब्बे में सबसे नीचे थोड़े से सूखे पत्ते डाले, और अगर सूखे पत्ते कम पड़े तो आप लोग गत्ता यानी कि पूड़ा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें खाद डाली, और अगर खाद ना हो तो आप लोग उसपे मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो उस खाद को हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके बाद आप सब लोगों के घर से जो गीला कचरा निकला था उसे हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके ऊपर हमने फिर से थोड़ी सी खाद डाली और उसे छोड़ दिया। उसके ऊपर आप लोग नीम का तेल या नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो हमने भी डाले थे, ताकि उससे मच्छर ना हो और बीमारियां ना फैले। सही बात है। बस इसी तरह से रोज करते जाना है, और हाँ बीच बीच में सभी चीजों को ऊपर नीचे करते रहना है। फिर क्या, एक महीने के बाद खाद तैयार। टपू के पापा, ए टपू के पापा, हाँ? आपको इतनी नींद आ रही है तो सो जाइए ना, बैठे बैठे झोंके क्यों खा रहे हैं? दया, एक काम करो ना, एक कप चाय बना के लेके आना। चाय? आपकी तबीयत ठीक है ना टपू के पापा? हाँ भाई, क्यों? अरे अभी सुबह की नहीं, रात की 11 बजे है। हाँ भाई पता है। नहीं नहीं टोपू के पापा, आप अभी चाय पियेंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अरे मेरी माँ हमेशा कहती है कि रात को चाय पीने से नींदिया रानी के पेट में गड़बड़ हो जाती है। क्या? हाँ, और नींद है ना वो वरार की तरह वाष्पीभवन हो जाती है, और इंसान झिंगूर और चाना चिड़िया की तरह निशाचर बन जाता है। अरे मैं कहाँ रोज रात को चाय पीता हूँ देख निशाचर बन जाऊं, वो तो आज जागना है इसलिए जरा चाय पीनी है। हाँ? आपको जागना है? हाँ, और मेरे साथ तू भी जागेगी ना। हाँ? क्यों भूल गई? क्या क्या? अभी एक घंटे बाद क्या होगा? एक घंटे के बाद 12 बजेंगे। अरे तो 12 बजते ही क्या होगा? 12 बजे के बाद अंग्रेजी पंचांग के हिसाब से तारीख बदल जाएगी। तो तारीख बदल जाएगी तो कौन सी तारीख होगी? अब क्या, कब से तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तारीफ कौन कर रहा है? मैं तारीफ बोली तो? नहीं सॉरी, तो तारीख तारीख, आप क्या कब से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख किए जा रहे हैं। साफ साफ बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे 12 बजते ही टप्पू का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा कभी हो सकता है टप्पू दीका का विशु हैप्पी बर्थडे हो और मैं भूल जाऊं? पता है ना तुझे, तो जा अभी एक कप चाय बना के लेके आ, फिर 12 बजते हम दोनों उसके कमरे में जाएंगे और उसको हैप्पी बर्थडे ऐसा कहेंगे। हाँ बराबर है, पर सॉरी हम ऐसा नहीं कह सकेंगे। क्यों? क्योंकि टप्पू दीका कब का सो गया है। हाँ, और टप्पू ने सोने से पहले मुझे खास कहा कि मम्मी आज मैं बहुत थक गया हूँ और कल सुबह मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, तो मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं अभी जल्दी सो रहा हूँ। तो अभी वो सो रहा है, हम 12 बजे उसको विशु हैप्पी बर्थडे कहने जाएंगे ना तो टप्पू दीका की नींद बिगड़ जाएगी। आप कल सुबह उसको विशु हैप्पी बर्थडे कहिए ना। अरे भाई हम तो सुबह ही हैप्पी बर्थडे बोलते आए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों ने कुछ नया चालू किया है ना, बर्थडे की अगली रात को 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे बोलने का, इसलिए मैंने सोचा। हाँ बराबर है, आपने बिल्कुल एकदम बराबर सोचा, लेकिन अभी रहने दीजिए। अरे
वैसे टप्पू के पापा, विश यू हैप्पी बर्थडे उसका मतलब क्या होता है? जन्मदिन। और दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, तो जन्मदिन की बधाई सुबह ही देनी चाहिए। तो अभी आप शांति से सो जाइए और कल सुबह टप्पू को बधाइयां देना। दया, कल हम टप्पू का हैप्पी बर्थडे जोरदार तरीके से मनाएंगे। जरूर जरूर मेरे काका। मेरे आका, तो कल जल्दी से उठना है तो आज जल्दी से सो जाए। गुड नाइट। अरे गई तो अच्छा। ओ सॉरी सॉरी, जरा देखो तो। अरे सो जाने अबे भाई, सो जा। दया, ए दया। इस वक्त कौन आया? वो भी हो, ज्यादा बेल बजाए बापूजी और सबकी नींद खराब हो, उससे पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा। कौन है? अरे खोल रहा हूं भाई, कौन है? आप लोग नहीं कर सकते। क्यों? ओ, आज जल्दी सो गया है। जल्दी? इतना जल्दी? जेठा अंकल बनाइए मत, और हम लोग आपकी बातों पे नहीं आने वाले। टप्पू इतना जल्दी सो ही नहीं सकता। टप्पू का बर्थडे है आज, कितने वो? अरे बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, आज वो कॉलेज गया था, थक गया था तो जल्दी सो गया है। मैं भी अभी तक इसीलिए जाग रहा था कि 12 बजते उसको हैप्पी बर्थडे बोलूं, लेकिन फिर दया आंटी ने मुझे बोला कि वह जल्दी सो गया है और डिस्टर्ब करने को भी मना किया है। सच में सो गया है? तो ठीक है जेठा अंकल, केक खिला दीजिए। केक? केक तो नहीं है बेटा। अरे जेठा अंकल, टप्पू का बर्थडे और केक नहीं है? होते तो भी काटता कौन, टप्पू तो सो गया है ना। हाँ। ओए गोली, टप्पू सो गया तो अब हम बर्थडे बॉम्ब किसको देंगे? हाँ, हाँ यार, बर्थडे बॉम्ब से तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। हाँ यार, कोई बात नहीं, मुझे दे दो। नहीं नहीं जेठा अंकल, हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैं टप्पू का पापा हूँ, मुझे दे दो, सुबह मैं उसको दे दूंगा। लगता है जेठा अंकल को पता नहीं है कि बर्थडे बॉम्ब्स क्या होते हैं, इसके लिए सब पूछ रहे हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। एक काम करते हैं, जेठा अंकल को एग्जांपल के साथ समझाते हैं, ठीक है? जेठा अंकल समझिए, एक गोगी टप्पू है। नहीं नहीं, मुझे कोई एग्जांपल एग्जांपल नहीं बनना है भाई। अरे गोगी यार, अरे तुम लोग मुझे उठा नहीं पाओगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। गोगी टप्पू है, ठीक है? मैं और बिंकू गोगी के हाथ पकड़ेंगे और आप गोगी के पैर पकड़ना, फिर हम इनको झूला झूला करेंगे। पकड़े जेठा अंकल पैर? ला पैर ला। अरे आपको पकड़ना पड़ेगा ना। आप तो देगा तो पकड़ूंगा ना भाई, ऐसे कैसे पकड़ सकता हूँ? गोगी पैर दे। ला दे 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 दे, दूसरा भी दे दे। लात मारने को कहते हैं बर्थडे बम। जेठा अंकल ये होते हैं बर्थडे बम्स, इसलिए हम कह रहे थे आपको नहीं दे सकते। ए, मुझे क्या, मैं तो टप्पू को भी नहीं देना दूंगा, ये क्या पागलपन है? जेठा अंकल ये पागलपन नहीं है, ये दोस्तों का प्यार है, निर्दोष प्यार। हाँ लात मारने का निर्दोष प्यार। फ्रेंड्स, अब हम जेठा अंकल की नींद खराब नहीं करते, हम टप्पू को सुबह मिल लेंगे। ओके गुड नाइट जेठा अंकल, बाय। गुड नाइट। और ये बर्थडे पे लात बात मारना बंद करो। हाँ हाँ, सब नौजवानों को बोल दो ये रिवाज बंद करो।
ये आजकल के बच्चों का ये लात मार के बर्थडे मनाने का रिवाज कुछ समझ में नहीं आया। ये मच्छर कहां से घुस गया? सर पे चद्दर रख के सोऊंगा तो दम घुट जाएगा। ओ मच्छर महाराज, देखिए मैं अहिंसक आदमी हूँ, आपको मार नहीं सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अरे कल मेरे बेटे टप्पू का हैप्पी बर्थडे है, मुझे सुबह जल्दी उठ के उसे हैप्पी बर्थडे बोलना है, उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, तो प्लीज मुझे सोने दीजिए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। अरे वाह, लगता ये तो सच में गया। थैंक यू मच्छर महाराज, थैंक यू। ये तो टप्पू का फोन बज रहा है, ये यहाँ कैसे बज रहा है? ओहो, टप्पू अपना फोन तो यहीं भूल गया है, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? थैंक यू बेटा, लेकिन ये तुम्हें कल फिर से गाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? Who's this? आए टप्पू का पापा बेटा। सॉरी अंकल, हमने टप्पू को विश करने के लिए फोन किया था। नहीं कोई बात नहीं बेटा, वो क्या थोड़ा थक गया था ना, इसलिए जल्दी सो गया, लेकिन मैं तुम्हारी शुभकामनाएं उसको दे दूंगा। ओके अंकल, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा बेटा, वो पूछेगा किसका फोन था तो क्या बताऊं? अंकल बता देना, सिया दिया और टिया का फोन था। सी दिया क्या? नहीं नहीं अंकल, सिया दिया और टिया। अच्छा अच्छा, सिया दिया और टिया का फोन था, ठीक है बोल दूंगा बेटा। ओके, और हाँ अंकल, टप्पू को याद से बता देना कि सबसे पहले सिया दिया और टिया ने कॉल किया था। ठीक है बोल दूंगा। हाँ ओके अंकल, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ओहो ओहो ओहो, आधी रात को इतने सारे मैसेज, यकीन नहीं हो रहा है मेरा छोटा सा टप्पू कॉलेज में आ गया और कॉलेज में सबका लाडला भी हो गया। ओहो, ये फोन और मैसेज तो सोने ही नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, फोन साइलेंट पे कर देता हूँ, टप्पू सुबह सब मैसेज और मिस कॉल देख के सबको जवाब दे देगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हेलो, देखो टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। सॉरी अंकल, गुड नाइट। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे टप्पू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। शेर तो सो गया है दोस्त, सुबह फोन करना। आप कौन? शेर का बाप,
बब्बर शेर। सॉरी अंकल सॉरी। विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टप्पू। टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। ओके अंकल। Wish you very very happy birthday Tappu Seth. Have a rocking year ahead. Tappu Seth ji, happy birthday. दरअसल हम आपको सबसे पहले विश करना चाहते थे, इसलिए कब से आपके मोबाइल पे फोन कर रहे हैं, लेकिन आप फोन उठा ही नहीं रहे, इसलिए हमने मजबूरन लैंडलाइन पे फोन किया। आप कुछ भी बोलें, इससे पहले हम आपको कह देते हैं कि कल आपको बड़े सेठ जी के साथ दुकान आना ही है। अरे अभी बड़े सेठ जी आपकी बातें सुन रहे हैं? नो 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 सेठ जी, इट इज रॉन्ग। आपके हमारी बातें सुन रहे हैं, आप छोटे सेठ जी को फोन दीजिए। अरे नहीं दे सकता भाई, छोटे सेठ जी घस घसाट सो रहे हैं। ओ हार्ड लग बागा। कोई बात नहीं नट्टू काका, सेठ जी लेकिन आप टप्पू सेठ जी से जरूर कहना कि हमने उन्हें खास बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। और सेठ जी आप प्रॉमिस कीजिए। अरे नट्टू काका, अभी आधी रात को पगार बढ़ाने की बात मत करना प्लीज। नहीं नहीं सेठ जी, मैं पगार बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, पगार तो हमने भगवान पे और आप पे छोड़ दिया है, आपका जब दिल चाहे पगार बढ़ाना बस। मैं तो ये कह रहा था कि कल थोड़ी देर के लिए ही सही, आप छोटे सेठ जी को लेकर दुकान आइएगा। अरे कल तो वो जल्दी उठ के कॉलेज जाने वाला है, अभी आप लोग भी फोन रखो ताकि मैं सो सकूं, क्योंकि मुझे भी सुबह जल्दी उठ के वो कॉलेज के लिए निकल जाए, उसके पहले उसे हैप्पी बर्थडे बोलना है। ओके सेठ जी, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। हाँ सॉरी सेठ जी, मेरी तरफ से गुड नाइट कहना रह गया था, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ओह ये अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अभी कोई फोन ना है तो अच्छा है, वरना पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। चलो आश, नहीं बज रहा है फोन। टप्पू जहां भी जाता है सब लोग उससे प्यार करने लगते हैं, और वो भी सबसे उतना ही प्यार करता है। हीरो है हीरो मेरा बेटा। छोटा सा टप्पू कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, शरारती मस्ती कोर कैसा भी है पर टप्पू टप्पू है, टप्पू जैसे और कोई नहीं है। मैं भी उसको भले अक्सर डांटता हूँ लेकिन प्यार भी उससे उतना ही करता हूँ। मित्र, पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है, पिता पुत्र का मित्र भी होता है और मार्गदर्शक भी, पिता पुत्र को डांटता भी और मन ही मन प्यार भी बहुत करता है, पिता पुत्र का एटीएम भी होता है और पैसे बचाने की सलाह भी देता है। माँ तो अपने प्यार का इजहार अपने पुत्र के प्रति कर देती है लेकिन पिता इजहार नहीं करता। कल टप्पू का जन्मदिन है और जेठालाल इस वक्त टप्पू की यादों को सहला रहा है। अब भाई क्या होता है टप्पू के जन्मदिन पे, कितने हंगामे होते हैं, कितनी मस्ती होती है, कितनी धूम होती है, ये जानने के लिए देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं टप्पू को आज कुछ बढ़िया सा तोहफा देना चाहता हूँ, तो क्या दूं? उससे उसको कॉलेज जाने में भी आसानी रहेगी। अरे नहीं नहीं बाबू, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं।
अरे मैं रोज रास्ते पे देखता हूँ ना, तो टप्पू के उम्र के लड़के सब पता नहीं कैसे ऐसे 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 करके मोटरसाइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल हम लोग एक काम करेंगे, टप्पू थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना तो हम उसे अच्छी सी गाड़ी लेकर देंगे। हाँ ये बराबर है बापू जी, तो अभी क्या दे उसको।